एक ये ब्राउन है और एक जो है ना इसके साथ ये ब्लैक है। तो इन ये दोनों जो है ना, इनका जो भाई है ना वो मेरे पास था पहले। आपको मारेगा लेकिन ये भी सही लड़ेगा, ये बड़ा तेज है, लड़ेगा तेज। अभी शौकीन लोगों ने रखी है, अब ये हिसाब लगाए आप लोग, दो दो तीन तीन लाख रुपए की ये मुर्गियां यार, इतनी महंगी। हाँ तो ते गंदे से ये, एक मिनट थोड़ा सा और, थोड़ा दूर परों के दरमियान में इसको उड़ा दो, बुढ़ाओ जरा इसको। तो ये देखें जी माशाल्लाह रेड हो गया अभी ये, इसको जरा ऊपर फेंको अब। तो इसको जो है ना हम लोग ऊपर फेंकने लगे, देखते नीचे तक कैसी लगती है, तो वो चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का जो व्लॉग है ना वो तैयब भाईजान की छत से शुरू हो रहा है। लास्ट टाइम मैं इनकी छत पर आया था जब जो ये केज था ना रेडी हो रहा था, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आज जो है ना हम लोग दोबारा आ चुके हैं, अभी ये ना केज फुल रेडी हो चुका है। तो आते साथ ही एंट्रेंस में आप लोग बिल्ली देख सकते हैं, ये शिकार करने ही रखी हुई है। वैसी आई हुई शिकार करने। तो ये वैसी जो है ना शिकार करने आई है, लेकिन इसने देखा कि मुर्गियाँ मुर्गे बंद हैं तो ये बाहर ही बैठ गए। जाओ भाई, बड़ी कमज़ोर बिल्ली है यार। तो अभी जो है ना ये खोलने लगे हैं, तो ये वाला नहीं गया। तो यार ये हम लोग अंदर एंटर होने लगे हैं। तैयब भाई जान की ना आज आप लोगों को मैं मुर्गियाँ वगैरह दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, काफ़ी ढेर लगा है यार। ये मुर्गी अंडों में बैठी है, कितने अंडे हैं नीचे। तो ये मुर्गी जो है ना अंडों पे बैठी है, और नीचे कितने अंडे, 10-12 अंडे हैं इसके नीचे। तो बाकी जो है ना इसकी मैं आप लोगों को मुर्गियाँ दिखाता हूँ। ये दोनों असील मुर्गियाँ, बड़ी टॉप क्लास असील हैं। और पीछे जो है ना मुर्गा कौन सा, ये हाँ ये असील और देसी का क्रॉस है। जो मुर्गियाँ ना वो काफ़ी अच्छी नस्ल की हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक ये ब्लैक मुर्गी लगाई हुई है और एक जो है ना इधर ये ब्राउन वाली इधर लगाई है। बाकी आप लोगों को ऐसा ऐसा सारा ही टूर देता हूँ। बाहर निकालते हो इनको? नहीं बाहर नहीं निकालते। तो यार ये जो ब्लैक वाले ये कौन से हैं? ये जो है ना यामसमानी है, मिक्स ब्रीड है ये, यूरोपियन ब्रीड। अच्छा ये जो है ना काले वाले हैं, ये देखें आप लोग, इनका जो है ना खून भी काला होता है, पंजे गोश सब कुछ इनका जो है ना ब्लैक ही होता है। तो बाकी आगे आ जाए, बाकी ये जो है इनमें भी असील है, इनमें असील है, इनमें भी चीनी है। तो ये जो है ना कोई चीनी नस्ल है, तो ये वो रखे हुए, ये भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी जो है ना प्यारी प्यारी मुर्गियाँ इन्होंने रखी हैं। तो यार इनमें से कोई एक दो मुझे दो यार, यार शिजाद को मांग ही रहा था। मज़ा आएगा यार अपने मुर्गों के साथ ना इनको लगाने को, इनकी जो मुर्गियाँ ना वो काफ़ी अच्छी हैं, मुर्गे इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये इधर भी जो है ना, इधर भी इन्होंने ब्राउन मुर्गियाँ रखी हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लड़ते तो नहीं आपस में, एक मिनट मुर्गियाँ निकालते। तो ये जो है ना इधर तीन ब्राउन मुर्गियाँ इन्होंने रखी हैं, और इधर भी जो मुर्गा ना ये मिक्स ब्रीड वाला है। तो यार अंदर आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ मुर्गियाँ पकड़ता हूँ और बाहर निकाल के ना फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यार पहले आप लोग ये ब्राउन मुर्गी चेक करें, एक ये ब्राउन है और एक जो है ना इसके साथ ये ब्लैक है। तो इन ये दोनों जो है ना, इनका जो भाई है ना वो मेरे पास था पहले, वो जो है ना मैंने किसी के पास रखवाया था, तो उन्होंने ना आगे से गायब कर लिया और कहा कि वो मर गया। अभी आप लोगों को मैं ब्लैक वाली दिखाता हूं। और ये बिल्ली, बिल्ली चौकस हो गई है। हाँ बिल्ली आ गई है, ये दूसरी, ये भी चेक करें, बड़ी ना कमाल मुर्गियाँ। तो यार ये वाली आप लोग मुर्गियाँ देख सकते हैं, मुर्गियाँ जो है ना वो सारी टोटल असील हैं, जो मुर्गियाँ ना वो फजूल हैं, वो मिक्स ब्रीड में हैं। तो मुर्गियों की जो है ना इनके पास बड़ी हैवी कलेक्शन है, ये वाली आप लोग मुर्गी चेक करें, बाकी आप लोग देखें। तो यार ये तैयब भाई का जो है ना मिक्स ब्रीड वाला ये मुर्गा हम लोगों ने निकाल लिया, और इस मुर्गे का बड़ा मजा आएगा अगर हम डाकू के साथ किसी दिन छोड़े ना। तैयब भाई क्या कहते हो? डाकू ने भी बजा देना इसको, डाकू मारेगा लेकिन ये भी सही लड़ेगा, ये बड़ा तेज है, लड़ेगा तेज है ना, सिर्फ तेज है, इसके पंजे वगैरह पे देखो ना तेज है। अभी हमारा भी वो डाकू भी बच्चा है, अभी डाकू बच्चा है, इसके पंजे पूरे हैं, नाखून पूरे हैं, इसके नाखून देखो है ही। लेकिन मजा आएगा किसी दिन छोड़ने का, आप लोग बताएं कमेंट में, छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, वो देखे आपस में भी लड़ पड़े। तो आप लोग बताएं इनको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोग कहेंगे तो फिर किसी दिन ना छोड़ देंगे इनको आपस में। तो यार अभी जो है ना हम लोगों ने ये ब्लैक वाली निकाल ली, इनका नाम है अयाम समानी, और ये जो है ना बड़ी महंगी, कितने की है ये भाई? एक पेयर जो है वो 70-80 हज़ार का, एक पेयर जो है वो 70-80 हज़ार, यानी कि इंडियन आप लोग लगा लें 40 हज़ार के करीब जो है ना ये एक पेयर है, ये ब्लैक ब्लैक। हालांकि इतनी कोई खास नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें, सिर्फ जो है ना इनका कलर ब्लैक है, कल्की ब्लैक है, चोंच मुँह गोश्त गोश्त भी ब्लैक होता है, गोश्त वगैरह भी सब कुछ ब्लैक होता है, लेकिन कलेजी निकालोगे, वो निकालोगे, किडनी निकालोगे, सारा कुछ ब्लैक है, कम्प्लीटली ब्लैक। तो ये भाई ऑल ब्लैक वाला इनका हिसाब है, लेकिन मैं तो कहता हूँ इनसे अच्छा असील ही सही है, ऐसे है कि नहीं है तीन भजन? यार ये शौक के लिए होते हैं, असील असील फिर अपना शौक है, ये अपना शौक है, असीलों का फिर हमारा तो असीलों का शौक है, लेकिन ये जो है ना
ये भी शौकीन लोगों ने रखी है। अब ये हिसाब लगाए आप लोग, दो दो तीन तीन लाख रुपए की ये मुर्गियां यार, इतनी महंगी। वो सामने वाली छत हमारी है और इस साइड पे जो है ना, बिल्कुल सामने वाली छत जो है ना तैयब भाई की है। तो अभी जो है ना, मैंने सारा आप लोगों को भी दिखा दिया और खुद भी देख लिया। तैयब भाई की जो असील मुर्गियां ना, वो आप लोगों ने भी बतानी है कैसी है। मुझे तो खैर जो मुर्गियां ना वो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन जो मुर्गियां ना वो मिक्स ब्रीड में, वो इतने अच्छे नहीं है। तो तैयब भाई की अच्छा मुर्गा ला के लगाओ यार। तैयब भाई कह रहे हैं कि हमने जो है ना मुर्गा भी कोई अच्छा ला के लगाना है, और बाकी जो है ना इनको मैंने कहा कि यार एक दो जो अच्छी मुर्गियां ना वो हमें दो, हम भी ताकि अपने पास रखें और डीएसपी और डाकू के साथ जो है ना उनके बच्चे निकलवाएं। तो यार मैं अपनी छत पर आ चुका हूँ और आज जो है ना हम लोग अपने मुर्गियों को जो है ना ये धनिया डालने लगे काट के। तो ये फरदीन भाई ने जो है ना काफ़ी सारी काट ली है, डाल दूँ बस यार ले जो। तो ये अभी लेके जाते हैं हम लोग और यहाँ पर जो है ना डालते हैं, देखते हैं मुर्गियाँ खाती भी है या नहीं खाती। थोड़ी थोड़ी जो है ना नीचे फेंक देते हैं ताकि जो है ना मुर्गियों को पता चल जाए। तो ये हमारा पहलवान आ गया, बाकी मुर्गियां देखते हैं आती हैं कि नहीं आती। जंगली को पकड़ना। तो यार अभी जो है ना हम लोग अपना जो जंगली बच्चा है ना, जंगली कबूतर का बच्चा, उसको जो है ना हम लोग स्प्रे करने लगे। वैसे तो हमारे घर का ये पक्का है, बिल्कुल कहीं नहीं जाता, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ये कभी चला भी गया ना तो हमें पहचान हो जाएगी कि यार इसके जो है ना परों के नीचे रेड स्प्रे हम लोगों ने किया है। तो अभी ये मैंने स्प्रे निकाल दिया है और ये जो है ना अभी इसके परों पर करते, ये इसको हम लोग करने लगे हैं रेड। अभी पकड़ो पकड़ो। अब ये होगा कि अगर ये किसी के पिंजरे में जाके बैठ जाएगा ना तो अगलों को लगना है कि भाई ये उड़ने वाला है, वो इसको पकड़ लेंगे दस्ती। तो इस वजह से जो है हम लोग इसको जो है ना रेड स्प्रे करने लगे। ओए होए होए, बड़ा हैवी स्प्रे होगा इसको। तो दूसरी साइड भी खोलो शराब, एक साइड पे कर लिया, अभी दूसरी साइड पे करने लगे। एक सारे मेरे हाथ तो तें गंदे से ये। एक मिनट थोड़ा सा और, थोड़ा दौड़ परों के दरमियान में इसको उड़ा दो, बुढ़ाओ ज़रा इसको। तो ये देखें जी माशाल्लाह रेड हो गया। अभी ये सही सूखा नहीं, जब सूखेगा तो और मज़ीद जो है ना प्यारा हो जाएगा। वाइट वाली भी हम लोगों ने पकड़ लिया। इसके जो परों पे हम लोगों ने तब मारी जब इसके हम लोगों ने पर ना खींचे थे, तो अभी इसकी जो है ना काफ़ी हल्की हुई है। इसको भी जो है ना हम लोग दोबारा जो है ना स्प्रे कर देते हैं रेड। पकड़ो दोनों साइडों से पकड़ो इसको। ये वाइट है तो इस पर माशाल्लाह जो स्प्रे है ना वो काफ़ी प्यारा लगता है। सही है, दूसरी साइड अब जो है ना फुल रेड कर दिया, बहुत ही प्यारी लगी ये उड़ती। तो अभी ये इसकी दूसरी साइड है। शिदा भी दुम करो, दुम पे भी कर देते, दुम पे भी कर देते, एक बारी फुल्ली रेड कर देते आज इसको। इसको जरा ऊपर फेंको अब। तो इसको जो है ना हम लोग ऊपर फेंकने लगे, देखते नीचे तक कैसी लगती है। वो चेक करें माशाल्लाह, अभी से उड़ा ही नहीं जा रहा मेरा ख्याल है, पर गिले इस वजह से। बड़ी प्यारी लग रही है। ब्लैक वाली को भी पकड़ देते हैं, ब्लैक वाली को। हाँ कौन सी ब्लैक? ब्लैक वाले कबूतर को। तो यार एक ब्लैक वाला रह गया बस, अब उसको भी रेडी कर देते हैं। ब्लैक वाला कबूतर भी पकड़ लिया, इसको भी जो है ना हम लोग रेड स्प्रे करने लगे। अब जो है ना हमारे तीन कबूतर जोड़ने वाले हैं ना, उनको रेड स्प्रे हुई है और एक जो पाकिस्तानी है ना उसको ग्रीन हुई है। तो अभी इसके परों पर भी जो है ना हम लोग दोनों साइडों पर जो है ना रेड स्प्रे करने लगे। तो यार इसको भी जो है ना हम लोगों ने रेड स्प्रे कर दिया। तो यार आप भाइयों के जो है ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं यार डाकू दिखाओ, डाकू दिखाओ। तो यार ये है माशाल्लाह हमारा डाकू, माशाल्लाह बड़ा ही फिट है। बस इसके जो फेस पे है ना ये वाइट वाइट जो है ना ये ख़त्म नहीं हो रहा। दो तीन बार ही मैंने ऑयल लगाया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो आज दोबारा जो है ना हम लोग इसको ऑयल लगाने लगे इसके फेस पे। तो यार इसको जो है ना मैंने ऑयल लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। इस साइड से भी फुल रेड हो गया, इस साइड से भी जो है ना फुल रेड हो गया। छोड़ दो शराब भी। तो ये देखें जी अब माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये जो होता है ना मैं ऑयल लगाता हूँ, दो तीन दिन जो है ना इसी तरह रेड रहता है और उसके बाद जो है ना फिर उसी तरह वाइट वाइट इसका फेस होने लग जाता है। तो पता नहीं इसका जो प्रॉपर हल है वो क्या, किस तरह ये खत्म होगा, इसकी समझ नहीं लग रही हमें। यार डीएसपी को भी हम लोग निकालने लगे, दोनों को निकाल दिया आज। आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना हम लोगों ने डाकू को भी और डीएसपी को जो है ना एक साथ निकाल दिया, लेकिन जो है ना इनको निकालना जो है ना एक किस्म की मुसीबत ही है, पता ही नहीं चलता। एकदम जो होता है ना भाग के आके लड़ने लग पड़ते हैं। तो अभी जो है ना हमें फुल इधर ड्यूटी देनी पड़ेगी और इनका ना ख्याल करना पड़ेगा। तो ये देखे फुल तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। कबूतरों को भी बंद कर दिया उधर, डाकू को भी बंद कर दिया, डीएसपी को भी बंद कर दिया, पहलवान को भी, कानी मुर्गी को, ये इन देसियों को भी। अभी जो है ना सिर्फ हमारे जो है ना जोजो मोजो रह गए, तो वो नीचे बैठे, इनको बंद करना है सिर्फ अब। चले चलो 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 चलो, ये पकड़ी मोजो, इसको पहले करते हैं बंद। चलो अंदर, अब जो है ना जोजो दूसरा रह गया, इसको पकड़ते हैं।
तो ये दोनों पकड़े गए, इनको भी करते हैं बंद, वो बाहर आ गया। चलो भाई चलो अपने घर। तो यार इसी के साथ जो है ना आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।